कैसी हैं आप? बस जिंदा है। एक बात बताइए, आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? और क्या करें मैडम जी, इकबाल जिंदा था तो मेरा ख्याल रखता था, अब वो नहीं है तो पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी ना। इकबाल की दुकान है, अपने जीते जी उसे बंद नहीं होने दूंगी मैं। मेहनत करूंगी, उसका कर्ज भी उतारूंगी। बेटा खोया है, हौसला नहीं। जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगी। खाला जान आइए चाय पीजिए। हाँ हाँ आराम से। इसे कहते हैं रियल वॉरियर, असली योद्धा। इतना कुछ हो गया फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इनकी जिंदा दिली का अगर एक जर्रा भी तुम्हारे अंदर होता ना इकबाल, तो हालात आज कुछ और होते। जानते हो हमने इनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि जिंदगी के हालात से मैं अपने दम पर लड़ूंगी। अरे रंजीत जी, तुम यहाँ कैसे? वो इकबाल की अम्मी को नगर पालिका लेके जाना था। अच्छा अच्छा, वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए। जी मैम वही। रंजीत तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। वैसे अगर इकबाल तुम्हारे सामने होता, जिंदा होता, तो क्या कहते तुम उसे? बोलता क्या मैम, सामने होता तो दो झापड़ लगाता खींच के। पूछता उससे क्या यही थी अपनी दोस्ती? अरे एक बार मुझे बता देता ना तो मैं अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के उसका साथ देता। दोस्ती से बढ़कर भी कुछ होता है क्या मैम? आंटी आप यहाँ पे? आपके लिए टिफिन लाई थी। अरे फातिमा तुम, मैंने कहा ना तुमसे इतना मत किया करो मेरे लिए। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अब तुम किसी और की अमानत हो। सगाई हुई आंटी जी, शादी नहीं। जिस दिन शादी हो जाएगी तो आना भी बंद कर दूंगी। तब तक के लिए इतना तो करने दीजिए अपने लिए। इकबाल ने अपने प्यार पर भरोसा किया होता और मुझसे अपनी परेशानी बांटी होती तो इतने झगड़े नहीं होते। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे। काश कि इकबाल ने खुद पर इतना भरोसा किया होता। बस मैडम सर, अब और नहीं देखा जाता हमसे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अपनी बेवकूफी की वजह से हमने सब कुछ गंवा दिया। सब कुछ तो था हमारे पास। हार गए और सब कुछ खो दिया हमने। काश एक मौका मिल जाता हमें सब तम सब सही कर। दिया मौका, सब खड़े तुम्हारे सामने, करो जो ठीक करना है। तुम जिंदा हो, बिल्कुल ठीक हो, वैसे ही हट्टे कट्टे। ये सब एक नाटक था, तुम्हें जिंदगी और अपने रिश्तों की अहमियत सिखाने के लिए एक छोटा सा नाटक। वैसे मानना पड़ेगा आई एम रियली ग्लैड अब सबने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ वैसे कुछ लोगों ने थोड़ी ओवर एक्टिंग जरूर की है, कुछ गड़बड़ियां भी की है, लेकिन फिर भी अच्छा था। Thank you so much.
नाटक खत्म, जाओ मिलो अपनी अम्मी से। अम्मी मेरा नाम विजय चौहान है, शहर के टॉप 5 शेयर ब्रोकर्स में मेरा नाम आता है। मेरी वाइफ से पूछ लीजिए, मैं शक्ल से कैसा भी लगूं लेकिन शेयर मार्केट का जीनियस हूं, जीनियस। ये रहा मेरा कार्ड, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन करे आपका तो बंदे को याद कर लीजिएगा, 5 साल में पैसा डबल। एक मिनट। हेलो, अरे पेमेंट हो जाएगा, बाद में बात करता हूँ। Excuse me, आप अपनी बीवी के बारे में बता रहे थे। वाइफ? हाँ, अनीता। क्या बताऊँ मैडम, जिंदगी हराम हो गई है मेरी वाइफ की वजह से। तो एक काम करो, वाइफ को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ाओ, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ये सब करके देख चुके हैं। हमारे लल्ला को भी साथ में लेके गई, बताओ 3 महीने वापस आने का नाम ही नहीं लिया, पैर जोड़ के वापस बुला लिया। हाँ तो किसने कहा था ये प्लान बनाने के लिए कि हमें मायके छोड़कर आए? कोई प्लान मान नहीं बना था, थोड़ा कुछ गलत लगा सो बोल दिया था। आपके जैसे झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं है। मतलब हम झगड़ालू हैं? हमारा मुंह मत खुलवाइए अब आप। हाँ जीता भाई, ये दोनों सास बहू की तरह क्यों लड़ रही है? सास बहू ही है। पुष्पा जी, आप हमेशा हमको ही बोलती है। मिस्टर विजय, एक बात हमें समझ नहीं आ रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, ये मामला क्या है? हाँ हाँ बोलो अनीता। बिच्चू 4 बज गए हैं। हाँ जानता हूँ। लड्डू खाए? हाँ खाए। गुड बाय। बाय सोना, लव यू। लव यू टू। मैडम बात ऐसी है कि मेरी बीवी इसी बाबा रंगरसिया के पास जाती है, रोज उनका सत्संग लगता है, बहुत सारे भक्त हैं उनके, और उसी बाबा के कहने की वजह से वो रोज सुबह शाम मुझे लड्डू खिलाती है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं इन लड्डुओं से? आपने अपनी बीवी को कभी पूछा कि इतने सारे लड्डू वो क्यों खिलाती है? पूछा मैडम पूछा, जितनी बार पूछता हूँ ना, ये डॉल हाउस मेरे सामने रख देती है। अब बताइए, ये गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलने की उम्र है मेरी? ये बाबा क्या नाम रंगरसिया, इसका क्या चक्कर है? पता नहीं मैडम, पिछले कुछ दिनों से अनीता बाबा के पास जाने लगी है। पता नहीं क्या जादू चला दिया है बाबा ने, 2 दिन पहले मैंने उसे सोने के कंगन ला कर दिए, उसने बाबा को दान कर दिए, कहकर के बाबा के लड्डू काम कर रहे हैं, इतना तो बनता है। सोने के कंगन? असली सोना का? अरे बाप रे। मेहरबानी करके मुझे बाबा से बचाइए, ये बाबा की वजह से ना मेरी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। शक्ल से मैं कैसा भी लगूं लेकिन मेरा नाम विजय चौहान है और मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है मिस्टर विजय, हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आप घबराइए मत, इत्मीनान से घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। डोंट वरी, हम आपकी गृहस्थी खराब नहीं होने देंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनीता को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, बेचारी हर्ट हो जाएगी। ठीक है आप जा सकते हैं। 2 मिनट रुको भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब सुनिए ना, आपके जो बाबा जी हैं उनके यहाँ गुस्से पर काबू पाने के लिए कोई लड्डू मिलते हैं क्या? पुष्पा जी। नहीं वो मिल जाते तो। पुष्पा जी, मैं शक्ल से कैसा भी दिखूं लेकिन मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। हेलो, हाँ हाँ जी, ये डॉल हाउस लेकर जाइए। नहीं नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने रास्ते से खरीदा था कि अनीता मुझसे क्या क्या करवाती है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ओके मैडम। सुनो, रख लो। मैडम आप भी ना, मेरी कोई उम्र है क्या डॉल हाउस के साथ खेलने की? उम्र दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। समझा नहीं आपने क्या कहा मैडम, पर रख लेती हूँ, इट्स क्यूट। पुष्पा जी जी,
आप इनकी बीवी अनीता से मिलिए, पता लगाइए कि कहानी क्या है, और बिल्लू को भेज दीजिए आश्रम बाबा का भक्त बनाकर, वो वहां जाकर कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। यस मैडम सर। मैडम सर, आप क्यों खामखा सरकारी पेट्रोल और वक्त दोनों खराब कर रही हैं? हमें ऑर्डर दीजिए ना, हम पकड़ के लाते हैं ये रंगरसिया बाबा को, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करिश्मा सिंह, ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, इसलिए इसे हमें बहुत प्यार से हैंडल करना होगा। आप सिर्फ उस रंगरसिया बाबा के बारे में पता लगाएंगे, और जब तक हम आपको परमिशन नहीं देते आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर। हमने यहाँ पर आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क देने के लिए बुलाया है। हम समझते हैं कि शायद आपको ये टास्क थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आप लोग हमें इतना तो जानते ही हैं कि हम कोई भी काम बेवजह नहीं करते। अब मैडम सर, आप बताइए टास्क क्या है? लव लेटर लिखना है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना, आप सबको एक लव लेटर लिखना है। आप जिससे चाहते हो, मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो या करते थे, उसके लिए एक लव लेटर लिखना है बस। हमको भी लिखना है? हाँ पुष्पा जी, सबको लिखना है। मैडम सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब लव लेटर लवर को लिखा जाता है ना, क्या भाई बहन को लव लेटर लिखते हैं? तो मेरा कोई लवर नहीं है मैडम सर, अभी मैं इतनी शॉर्ट नोटिस पे लवर कहाँ से पैदा करूँ? सोशल मीडिया पर जेन्युइन लड़का नहीं मिलता मैडम सर, आपको भी कैसे पता होगा। I know मैडम सर, और अगर मैं पर्सनली अगर देखूँ तो पहले लड़का ढूंढना पड़ेगा, फिर दोस्ती करनी पड़ेगी, फिर उसे हिंट देना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, स्माइल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है मैडम सर। मैं कितना भी जल्दी ट्राई करूँ एक महीना तो लग ही जाएगा। संतू जी मतलब बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। नहीं बिल्लू नहीं, हम अपना बात कर रहे हैं संतू जी। एक बार के लिए चलिए मान लीजिए कि हम आपके लवर हैं और आप हमसे प्यार करती हैं और हमारे लव लेटर लिख डालिए। मैडम सर, हमें भी लव लेटर लिखना है? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? एक मिनट, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? एलियन। एलियाना थी, अब हीरा है, आश्रम में मिली, बस अब यही है, मिसेस बिल्लू चंपत बनेगी। बहुत बढ़िया बिल्लू, बहुत बढ़िया। मैडम सर, आप हमारे थाने को प्रेम आश्रम बनाना चाह रही हैं, आप सबसे लव लेटर लिखवाना चाह रही हैं, इसकी वजह जान सकते हैं हम? तजुर्बा कहता है हमारा कि कुछ सवालों के जवाब वक्त पर छोड़ देना चाहिए तो बेहतर होता है। फिलहाल इसे ट्रेनिंग समझ लीजिए, शायद केस के काम आए। करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, ये रोमांस का मामला है ना, आपके मिजाज के खिलाफ है। शायद भूल रही हैं आप कि हमने लव मैरिज किया है, और रोमांस के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा यहाँ कोई नहीं जानता है। खैर, ये केस है और हमारा मानना है कि केस सिर्फ डंडों से सॉल्व किया जाता है, ऐसे रोमांटिक हथकंडों से नहीं। इसलिए माफ कीजिएगा, हमें तो इन सबसे आप भार ही रखिए, हम जा रहे हैं केस सॉल्व करने अपने तरीका से। जाएंगे बाबा के आश्रम, पहले भक्तों को पकड़ेंगे, उसके बाद बाबा रंगरसिया को पूरे सबूत के साथ। चलिए आप लोग भी फटाफट लिखना शुरू कीजिए, हमें कल तक सबके लव लेटर्स चाहिए। जी मैडम सर। डिसमिस्ड। जी मैडम सर। अभी जैसे फोन टूट सकता है वैसे तुम्हारा दिल भी टूट सकता है ना संतोष, बेचारी कब तक बचती रहेगी उस चट्टी जैसे टिड्डे से। टिड्डे की तो मैं, अरे वो रंगरसिया बाबा एकदम चमत्कारी है, उनका एक बार आशीर्वाद ले लो संतोष जी तुम्हारी। दोबारा बता रहे हैं बाबा, फालतू बाबा, फर्जी बाबा का नाम हमारे सामने लेना, हमसे खराब कोई नहीं होगा पहले का। अरे सुनो तो सही, अरे बहुत लोग जो भक्त है उनके उनके मुंह से सुना है कि बाबा रंगरसिया के उनके दर्शन लिए बस उनको उनका प्यार मिल गया। क्या बात कर रहे हैं यार बिल्ले। वही संतोष जी तुम्हारी,
लेकिन बिल्ले यार, हाँ करिश्मा मैडम को पता चल जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? आई हैव अ प्लान बिल्लू द स्पाई। बाबा से वार्तालाप हो गई है। आशीर्वाद और प्रसाद दोनों ग्रहण करना। आशीर्वाद तुम ग्रहण करना, प्रसाद संतोष जी ग्रहण करेगी। फिर तो संतोष जी आपके आगोश में होगी। सच में। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह आप ऐसे? जी हम वो केस के सिलसिले में गए थे। आपको बताना चाहेंगे मैडम सर, आप बिल्कुल सही थी। ये बात ही पति पत्नी के बीच का है। पत्नी अपना मैरिड लाइफ का रोमांस जो लुप्त हो रहा है उसको बचाने के चक्कर में ऐसा उलझुल हरकतें कर रही हैं। बाबा रंगरसिया तो सिर्फ इस चीज का फायदा उठा रहा है। हम शर्तार गए मैडम सर। आप एकदम राइट है और हम टोटल रॉन्ग। और जैसा कि हमने कहा था कि अगर आप सही निकली तो हम बिल्कुल वैसा करेंगे जैसा आप चाहेंगी। हम हाजिर हैं, बताइए हमको क्या करना है मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, दरअसल बात कुछ ऐसी। मैडम सर, आई एम बिल्लू द स्पाई एट योर सर्विस। मैडम सर, ये लव लेटर जो विजय ने अपने वाइफ अनीता को लिखा था और बदले में अनीता ने बाबा रंगरसिया को 5 तोला सोने का हार भेंट चढ़ाया। 5 तोला दिखाओ। वो तो बाबा के पास है। अम्मा ये लेटर दिखाओ। हाँ। ऐसा भी क्या लिखा है इस लेटर में? मैडम सर हम गलत नहीं है तो ये हैंडराइटिंग आपका नहीं है? जी बिल्कुल सही, हमने ही लिखा ये लेटर अनीता को विजय की तरफ से, उन दोनों के बीच का खोया हुआ रोमांस वापस लाने के लिए। बताइए, और हम यहाँ ऐसी गिल्ट में मरे जा रहे हैं कि आप कितना सही थी और हम कितना गलत हैं। या तो बात ही कुछ और चल रहा है। देखो करिश्मा सिंह, यही तो बुनियादी फर्क है आपके और हमारे नजरिए में। आप सिर्फ तस्वीर को देखकर कलाकार का अंदाजा लगाती हैं, लेकिन हम रंगों की गहराई में जाकर, क्योंकि रंग ही है जिसके जरिए एक कलाकार लोगों के दिमाग से खेलता है, जैसा कर रहा है ये बाबा रंगरसिया। अनीता जैसी इनोसेंट औरतों का फायदा उठा रहा है, रिश्तों के बीच की दरार को भरने के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहा है। ठीक है, उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, तो हम भी तैयार हैं। अब ये खेल हम खेलेंगे। पनिशमेंट किसने दी? पुष्पा जी ने कि मैडम सर ने? कभी कभी हम सोचते हैं बकलोली में अगर टैक्स लगे तो तुम्हारे मम्मी पापा का तो पूरा जमीन जायदाद बिक जाए। इसको शीर्षासन बोलते हैं, इससे दिमाग ठंडा रहता है, दिमाग ठिकाने पे रहता है और क्रोध शांत रहता है। फिर तो आप ट्राई करो, आपको जरूरत है। तुम ट्राई करो आके, तुम्हारे दिमाग में जो वायरिंग है वो डैमेज हो चुका है ना, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा पहले मैं ये सब साइड में कर देती हूँ। हे भगवान, आओ। किया इससे पहले कभी? नहीं। सर रखो नीचे। हाँ तुम्हारी अम्मा टोपा होगा, नहीं हो रहा है तुमसे। आ जा ऊपर आ जा। क्या हुआ? नहीं बहुत इजी है। इजी बहुत है, बस हवेली पुरानी है ना, दीवार थोड़ी सी ऐसी है, मुझे सिर्फ सीधी दीवार पे जमता है। तो मैं वैसे भी जॉगिंग करके आई हूँ, तो आप करो, मैं चेंज करती हूँ। पकड़ ले।
मैडम सर, इसको मारने से हमारा केस सॉल्व नहीं होगा। अगर केस सॉल्व करना है तो कुछ सोचिए, कुछ करिए, या हमको बोलिए ना, हम एक मिनट में रफा दफा कर देंगे केस को। करिश्मा सिंह, आपके भी ये शीर्ष आसन करने से गुस्सा कम नहीं होगा। आप प्राणायाम करिए, तब जाकर शायद आपको ये इतनी सी बात समझ में आएगी कि समस्या बाबा रंग रसिया नहीं है, समस्या है वो अंधविश्वास जो अनीता जैसे लोगों को इस तरह के फ्रॉड बाबा तक पहुंचाता है। ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, सारे बाबाओं का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। मैडम सर, यस मैडम सर, वो विजय चौहान बाहर आए और अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहो वेट करें, हम फ्रेश होकर आते हैं। यस मैडम सर। कितना टाइम भाई? चीता भाई, थोड़ी देर और, थोड़ी देर आ जाएंगी। थोड़ी देर ही? अब बस आ ही रही है, आ रही है, आ रही है। यस मिस्टर विजय, देखो आ गई। आ गई। मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने लेटर क्यों लिखा? मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। देखिए, हुआ ये था कि हमें लिखा तो लिखा, आपने पोस्ट भी कर दिया। हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगा आपको, क्या लगा आपको कि मुझे पता नहीं चलेगा? करिश्मा सिंह, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं जा रही हैं या कहीं से आ रही हैं? मैडम सर, हमने बहुत ट्राई किया, हमने लेटर लिखा, हमने बार बार लिखा, लेकिन फीलिंग नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कि ऐसे लिखा जाए, कुछ लिखे हैं शायद आपके काम आ जाए, आप देखिए। अरे वाह, क्या माँ कसम लग रही हो मैडम आप। करिश्मा मैडम ही है। भगवान का शुक्र है, बाकी सब तो पहले जैसा है, वरना हम तो डर ही गए थे। क्यों कुछ कहना जरूरी है तुमसे? क्यों कहकर ही कह पाऊंगी तुमसे? क्यों जरूरत है मुझे कहने की जो कहना है तुमसे? महसूस तो तुमने भी किया होगा ना, महसूस तो तुमने भी किया होगा वो प्यारा सा एहसास जो तुम्हें देखकर होता है। महसूस तो तुम भी करते होंगे ना, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा पढ़ाई के बहाने अपने घर से निकलकर रात भर मेरे घर के बाहर खड़े रहना, सिर्फ मेरी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहना। तो भी 12वीं में हमारे लल्ला के नंबर इतने कम आए थे, रात रात भर किसी के घर के सामने खड़ा जो रहता था। मैं जानती हूँ कि अब हम दोनों ही उस छोटे छोटे एहसासों को पता नहीं कहाँ कहाँ भूल आए हैं, जीवन की आपाधापी में उन खुशियों को कहीं रख कर छोड़ आए हैं। जानती हूँ, जिंदगी की बदलती तस्वीर ने तुम्हें भी बदल दिया है, जिम्मेदारियों ने थोड़ा सा तुम्हें भी अपने जैसा कर दिया है। चलो एक बार फिर उन एहसासों को ढूंढ लाते हैं, रख कर भूल गए हैं जहाँ, वहीं से फिर बटोर लाते हैं। चलो जीते हैं फिर से कुछ पल साथ, चलो फिर वो पहला वाला प्यार दोहराते हैं। क्या बात है करिश्मा सिंह। मैडम, आपने लिखा है ये लेटर? सुपर्ब। सुपर्ब। अरे वाह मैडम, वाह वाह, क्या लिखी है मैडम, मतलब ये तो कमाल हो गया। नहीं तो आपको देखकर कौन इसे बोल सकता है कि आप जैसी ठोस चट्टान जैसी दिखने वाली औरत के अंदर ऐसे मतलब प्रेम का धरा प्रवाह धरिया फूट सकता है। हमारी बहू कवयित्री, हमको तो मालूम ही नहीं था। बहुत बढ़िया लिखा है। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने अपने दिल के जज्बात निकाल कर लिख दिए, हमें तो पता ही नहीं था कि आपका इतना प्यारा दिल भी है। आप भी इतनी समझ लीजिए मैडम सर, दिल से निकला बात जो होता है ना, वो दिल तक पहुंच ही जाता है। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.